शहर के शोर में, ये मेरी प्रतिनिधि रचना है। इस रचना ने मुझे देश और विदेश की तमाम यात्राएं कराई, आपसे मिलने का मौका दिया और मैं इससे इतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि आप सभी अपने बच्चे से करते होंगे, तो इसलिए इस पर आपकी ज्यादा मोहब्बत मिले तो मुझे अच्छा लगे। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहां तुम हो मगर तन्हा। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहां तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा कहना। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाई। वाह वाह, क्या कहना जिंदाबाद जी। मैं बिल्कुल ये पढ़ रही हूँ दोबारा। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, क्या कहना क्या कहना बाबा। वहीं पे बैठ के अरसा क्या कहना। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। और एक शेर पढ़ रहे हैं। एक भाई साहब जो नीचे जमीन पर बैठे थे, ये शेर सुनकर ऊपर सोफे में बैठ गए हैं, तो आप अपग्रेड हो गए हैं मेरे शेर सुनकर, ये देखकर मुझे सुख हो रहा है। एक शेर मैं आपके मतलब का पढ़ती हूँ, आपके बहुत काम आएगा, सुनो। उसी से रूठ कर उसको उसको मनाना, दिलों की तो यही नातान। कभी माँ की हथेली छू कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां है। कभी माँ की हथेली चूम लेना,
भाई मुल्ला जी आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत जी भाई। मीतू भाई ने क्या अच्छी बात कही है। अच्छा ये बताइए, मैं मीतू भाई सबसे भी पूछ लूं ये बात, बौद्धा के लोग मुझे ये बताएं क्या आपकी नजर में ये मुशायरा अपनी कामयाबी की तरफ है। जोरदार तालियों से हाथों को हवाओं में लहराते हुए इसे और ज्यादा यादगार बनाते और निजामुद्दीन सोबर और उनकी टीम को यकीन दिलाए कि उनकी मेहनत कामयाब हुई। और एक आखिरी शेर फिर मैं अपनी जगह पर। चलो एक दूसरे को भूल जाए, 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 जहां में और भी बर्बाद।